दोस्तों हम यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं OFSS बिहार। अब सर्च करने के बाद जो ऊपर जो फर्स्ट वेबसाइट आई उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पेज तो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी इसका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का जो फॉर्म होता है वो अभी यहाँ पे नहीं खुल रहा है। मतलब इसका अभी कोई भी डिटेल नहीं दिखा रहा है कि आप कैसे भर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पर भी क्लिक करके देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगिन का तो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जिन लोगों का अगर पहले वो लॉगिन नहीं हो पा रहा था, मतलब पहले वाला जो यह है जो 26 मई तक डेट था फॉर्म फिल करने का, उसमें अगर वो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं, तो वो लोग का अभी फॉर्म यहाँ पे ओपन हो नहीं रहा है। और यहाँ पे अभी बच्चे लोगों का जो कोई भी अपडेट नहीं दिखा रहा है, उनके मन में शंका ये आ रहा है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो दोस्तों उसके लिए हम यहाँ पे बता दें, आपको एक नंबर दे दे रहे हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हम आपको एक नंबर बता दे रहे हैं, आप उस पर बात कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये उसका नंबर, देखिए 0612223000 फिर 9, इस पे बात कर लीजिएगा। लैंडलाइन का नंबर है, इस पे बात करने पे बिहार बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पे बोलने अभी फिलहाल तो कॉल लग नहीं रहा है क्योंकि बहुत ही बिजी बता रहा है। और यहाँ पे हम अभी वेबसाइट काम नहीं कर रहा, अभी यहाँ पे ओपन ही नहीं हुआ है लिंक प्रॉपरली यहाँ पे कि कोई भी बच्चा फॉर्म फिल करेगा।